का वर्णन किया जाता है उसमें दृश्य भी दृष्टा रूप ही है। तन्मय का अर्थात विवेक करने के लिए जब आप एक परिच्छिन्न देह में स्थूल में सूक्ष्म में कारण में अपने आप को फंसा लेते हैं तब तो इस फंसावट से निकलने के लिए एक सीढ़ी बनाई जाती है कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं तुम ये नहीं हो ये नहीं हो ये नहीं हो और विवेक करते हुए अपने स्वरूप को जानो। इनसे मैं विलक्षण हूं ये मैं नहीं हूं। और जब अपने को ब्रह्म रूप से जान लेते हैं तब जिसको पहले नेति नेति करके निषेध किया था वो भी अपना स्वरूप ही हो जाता है। और असल में
वही संपूर्ण आकारों का, संपूर्ण बुद्धियों का और संपूर्ण भोग्य पदार्थों का अधिष्ठान है। ये बात बताई गई दूसरे मंत्र में, जो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदाश्च प्रगणोति तस्मै तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम। ब्रह्मा आदि के आकारों का अधिष्ठान वही है और वेद आदि जो शब्द राशि हैं और बुद्धि राशि हैं उनका भी अधिष्ठान वही है और आत्मबुद्धि प्रकाशम प्रत्यक्ष चैतन्य के रूप में भी माने अपनी आत्मा के रूप में भी वही है। और ये सब ज्ञान होने पर भी यदि उसके ब्रह्मपने का ज्ञान नहीं हो तो माने ये तो जान लिया कि हम सबसे जुदा हैं, पर परिच्छिन्नता की भ्रांति मिटी कि नहीं मिटी? तो ये जान लिया कि हम सबके प्रकाशक हैं लेकिन परिच्छिन्नता की भ्रांति मिटी कि नहीं मिटी? तो और सब बात बुद्धि से जानी जा सकते हैं, हम सबसे न्यारे हैं ये बात बिना वेद के बुद्धि से जानी जा सकते हैं, हम सबके दृष्टा हैं ये बात बिना वेद के बुद्धि से जानी जा सकते हैं, हम परम प्रियतम आनंद रूप हैं ये बात बिना वेद के बुद्धि से जानी जा सकते हैं, हम ही प्रीतम हैं, हम ही दृष्टा हैं, हम ही अविनाशी सत्य हैं ये बात बिना वेद के बुद्धि से जानी जा सकते हैं, लेकिन हम देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य अद्वितीय अविनाशी परिपूर्ण स्वयं प्रकाश चेतन ब्रह्म ही है ये बात बिना वेद के नहीं जानी जा सकती, क्योंकि अपरिच्छिन्न का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विश्व सृष्टि में कोई कारण है ही नहीं। जैसे नेत्र आदि के द्वारा रूप का साक्षात्कार होता है ऐसे किसी करण के द्वारा अपरिच्छिन्नता का साक्षात्कार नहीं होता है यदि उसमें वेद ही प्रमाण न हो। नेति नेति जो है ये तो बुद्धि से भी हो सकता है, इसलिए ब्रह्म का निरूपण किया निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन धनमिवानलम। उसमें कला नहीं है अर्थात हिस्से नहीं है, हिंसा नहीं है। हिंसा की संपूर्ण प्रतिष्ठा जब होती है तब मनुष्य अकल पुरुष में, ब्रह्म का नाम अकल है, वो अकल वो निष्कल और अकल दोनों एक ही तो हुआ ना। नास्तिक कला यस्मिन तत् अकलम, अकल है ब्रह्म। फिर बोले अकरम है ब्रह्म, अक्रे अकर, तो अवयव नहीं है और उसमें कोई क्रिया नहीं है और शांतम, शांतम माने गति नहीं है, क्रिया नहीं है और अपने आप में ही गति नहीं है और निरवध्यम माने उसमें कोई संस्कार नहीं है। कर्म के जो संस्कार हैं यही अवध्य हैं, अवध्यति इति अवध्यम, जो बुरी तरह से मनुष्य को खंड खंड कर देता है काट देता है उसका नाम है अवध्य। अवध्य माने पाप संस्कार कर्म संस्कार। तो ब्रह्म कैसा, एक तो बताया कला शून्य माने अवयव शून्य, षोडश कला जो वर्णन है ना प्राणादि नामांत, प्रश्नोपनिषद में प्राण से लेकर के नाम पर्यंत षोडश कला है, षोडश कलोयम पुरुषः, वहां पुरुष का षोडश कला वाले के रूप में वर्णन है। तो निष्कलम कह करके उस सकल सकल अर्थात सगुण पुरुष का निषेध कर दिया, निष्कलम कह करके सावयव नहीं है और निष्क्रियम कह करके सब विश्वकृत आदि से जो उसमें क्रिया का कर्तृत्व का अध्यारोप किया गया था उसका निषेध कर दिया और शांतम से
जो उसमें परिणामी पने की प्राप्ति थी कि ब्रह्म परिणाम है ये जगत, क्रिया से निष्क्रियम से कर्तापन का निषेध किया कि जैसे वो परमाणुओं को जोड़ करके आरंभवाद का समझो, आरंभवाद का निषेध किया, निष्क्रियम कहकर आरंभवाद का निषेध किया और शांतम कहकर परिणामवाद का निषेध किया और निष्कलम कहकर के जो तत्त्वत लोक में रहने वाले परमात्मा का सावय और परमात्मा का निरूपण होता है उसका निषेध किया। वो सब कलावान होते हैं, ये निष्कल है। और निष्क्रिय कहकर के आरंभवाद के अनुसार जैसा ईश्वर है पुर्जों को जोड़ने वाला, पुर्जा जोड़कर मोटर बनाने वाला, आरंभवाद के तरफ। और शांतम कहकर के जो लोग ब्रह्म परिणामवादी हैं, है ना, कि दूसरी कोई चीज तो नहीं है परंतु स्वयं ब्रह्म परिणाम को प्राप्त होकर के जगत बनता है, उसका निषेध किया। निरवाद्याम, उसमें कर्म संस्कार का किंचित भी लेप है, इसका निषेध किया है ना। और निरंजनम से माया अविद्या आदि जो वेदांत में अध्यारोपित जो उपाधियां हैं उनके साथ स्वरूप से उसका कोई संबंध नहीं है, ये बात। अनत्ति इति अंजना, अज्यते अनया इति अंजना, अंजना माया प्रकृति बुद्धि अविद्या इत्यादि। अमृतस्य परम सेतुम, अमृत माने अविनाशीपना, इससे चित स्वरूप और आनंद स्वरूप भी उपलक्षित है। यदि वृत्ति केवल सत प्राचुर्य से अवस्थित हो जाए तब उसका नाम समाधि हो जाता है, और जब वृत्ति केवल चित प्राचुर्य से अवस्थित हो जाए तो उसका नाम दृष्टा हो जाता है, और जब वृत्ति केवल आनंद प्राचुर्य से, उसमें सत्ता और ज्ञान रहते हैं पर छिपे रहते हैं, और दृष्टा में भी सत्ता रहती है और आनंद परम प्रियता भी रहती है पर छिपी रहती है, और समाधि में सत्ता जो है वो प्रधान हो जाती है और चित्ता वृत्तियों का लोप हो जाने से स्पष्टता, जो वृत्ति की स्पष्टता है वो लुप्त हो जाती है, और प्रियता भोग का लोप हो जाने से उसका भी लोप हो जाता है। तो बोले फिर तीनों को एक कर दो, सच्चिदानंद हूं मैं। हाँ हाँ, सत हो तुम अविनाशी, चित हो तुम दृष्टा और आनंद हो तुम परम प्रियतम, पर प्रश्न ये है कि अद्वितीय हो कि नहीं, तुम्हारे सिवाय और कोई चीज अभी माया छाया प्रकृति अविद्या विद्या है ना, नेति नेति करने के लिए कुछ बचाए रखा है कि नहीं। बोले भाई समाधि में बैठे तब तो कुछ नहीं है, जब व्यवहार में आए है ना तब तो फिर अनात्मा से नेति नेति करनी पड़ती है ना। बोले अभी बाधित नहीं हुआ है, अपवाद करके तुम अपने स्वरूप में स्थित होते हो परंतु अपने स्वरूप के बोध से जो बाद होना चाहिए वो नहीं हुआ है, इसीलिए नेति नेति की पूंछ जो है वो साथ नहीं छोड़ती है बोला। और जिसके लिए समग्र रूप से प्रपंच बाधित हो गया अपने ब्रह्मात्मिक के बोध से, उसके लिए कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांड प्रतीत होते रहे, कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांड प्रतीत होते रहे बाधित से, उसके लिए कोई भय नहीं। भय होना भी तो दुख ही है ना, जिसको प्रपंच की प्रतीति से या प्रपंच की क्रिया से है ना, किसी क्रिया प्रपंच की किसी क्रिया से, प्रपंच की किसी स्थिति से, प्रपंच की किसी अवस्था से, प्रपंच के धर्माधर्म से है, प्रपंच के जीवन मृत्यु से जो भय लगा हुआ है वो भय भी तो दुख ही है ना। तो ये कहो ना, बोले अमृतस्य परम सेतु, ये अमृत की बड़ा सीमा है। सेतु माने मर्यादा, सीमा, परानिष्ठा, जहां अमृतत्व समाप्त हो जाता है, माने जिससे बढ़कर अमृतत्व और कोई है ही नहीं। सेतु उन्मानाधिकरण ब्रह्मसूत्र में, दग्धे इंधन विवानलम, बिल्कुल ईंधन के जल जाने पर जैसे दे दीप्यमान जाज्वल्यमान, जैसे प्रकाश राशि हो वैसे, ये बात सुना है। इसके बारे में बताया कि इस परमात्मा को जाने बिना, इस प्रत्यक्ष चैतन्या भिन्न परमात्मा को जाने बिना दुख का अंत नहीं हो सकता। शंकराचार्य भगवान ने
सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, गीता के इस श्लोक की व्याख्या है। ज्ञान के बिना दुख की निवृत्ति संभव नहीं है, ये बात समझाने के लिए इस मंत्र को उद्धृत किया है। यदा चर्म वदाकाशम वैष्टयिष्यन्ति मानवाः, ये मानव बाबा बड़े बड़े युक्ति वाले हैं, बड़े युक्ति वाले मानव माने बड़े युक्ति वाले, ये श्रद्धा से भी बहुत काम बना लेते हैं और युक्ति से भी बहुत काम बना लेते हैं। श्रद्धा और युक्ति इन दोनों के सम्मिलित पुतले का नाम मानव है। श्रद्धा माता और मनु पिता, मनु और श्रद्धा की संतान है ना ये मानव, इसलिए मानव माने श्रद्धा और मनन का संतान। शरणवंतु सर्वे अमृतस्य पुत्राः, हे श्रद्धा और विवेक की संतान मनुष्य, सुनो, क्या सुनो कि यदि ये मनुष्य जाति कभी इस असंभव को संभव कर दे कि निरवय आकाश को, निराकार आकाश को, निरूप आकाश को, वैसे वेदांत के मत में आकाश भी सावय है, वो न्याय आदि के मत में आकाश निरवय है पर वेदांत मत में आकाश सावय है, क्योंकि आकाश की उत्पत्ति और लय दोनों का श्रवण है श्रुति में। तस्माद् वाही तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः, आकाश की उत्पत्ति हुई तो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो सावय होती है। ये आकाश जो है, इसको यदि इस निरूप आकाश को, इस पृथ्वी जल अग्नि वायु से विलक्षण आकाश को यदि कोई चदरे की तरह लपेट करके ओढ़ ले, या जैसे कोई मृगचर्म को लपेट करके कांख के नीचे दबा लेता है, वैसे यदि इस आकाश को कांख के नीचे दबा ले तब क्या होगा। यदि ऐसा होना संभव है तो परमात्मा को जाने बिना दुख की निवृत्ति होना भी संभव है। बोले ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, तो परमात्मा को जाने बिना दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः, उस परमात्मा को जान करके ही दुख का अंत होता है। अब देखो, तपः प्रसादात् देव प्रसादात् च ब्रह्मः श्वेताश्वतरूथ विद्वान्। श्वेताश्वतर कैसे हैं? बोले ब्रह्म विद्वान है ना, ब्रह्म विद्वान माने श्वेताश्वतर विद्वान है। किसके विद्वान है? बोले ब्रह्म के विद्वान है। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद वरियान, ब्रह्मविद वरिष्ठ है। और श्वेताश्वतर माने कल सुनाया था ना, क्या श्वेता अवदाता अश्वा इंद्रियाणि यस्य, जिसकी इंद्रियां बिल्कुल शुद्ध हैं, ना विरतो दुष्चरिता ना शांतो ना समाहिता, जो दुष्चरित्र से विरत है, जो शांत है, और क्या है, और वो बात है भाई, जस्ट इंद्रियवान, जस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा सुचि सतु तत्पदमाप्नोति, इंद्रियाणि हयानाहु सदस्वा इव सारथे। ये अश्व का रूपक दे करके जिन इंद्रियों का वर्णन है, इंद्रियाणि हयानाहु, वही अश्व है बना। तो जिसकी इंद्रियां बिल्कुल श्वेत है, कोरा कागज, कुछ लिखा हुआ वासना, वासना की स्याही से जिनमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये तो देखती है कि ये फूल हैं, ये सब तिले हुए फूल हैं, पर ये फूल हमको मिल जाए कि हम इसको तोड़ लें, कि इसको भोग लें, है ना, ये वासना जिनमें नहीं है। इंद्रियों से मालूम तो सब पड़ता है कि ये रंग है, ये रूप है, ये कोम, ये स्पर्श है, ये शब्द है, ये तत्वज्ञानी को भी मालूम पड़ता है। लेकिन किसी की इंद्रियां श्वेत हैं और किसी की रंगीन, श्वेत है माने प्रकाशित तो सब करें पर चाहे कुछ नहीं, तब तो इंद्रियां श्वेत हैं, मन भी श्वेत है, और प्रकाशन करना प्रमाण रूप से इंद्रियों का होना अपेक्षित है, वासना की रंगीनी से रंगी हुई इंद्रियों का होना अपेक्षित नहीं है, इसलिए उनको बोला श्वेता, श्वेत, श्वेताश्व।
जाने सब पर चाहे कुछ नहीं। श्वेताश्व और अतिशय न श्वेताश्व, श्वेताश्व तरह जो अतिशय श्वेताश्व है महाराज मामूली नहीं। ये कौन है? बोले ब्रह्म विद्वान, इसने ब्रह्म जाना है। वाह 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 वाह, धन्य है धन्य है धन्य है, इसने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, धन्य है इसने ब्रह्म को जान लिया। अब उसी ने ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। अत्याश्रमेभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यग् ऋषि संघ जुष्टाम। ये परम पवित्र ज्ञान जैसे वज्र पहाड़ की पाक काट देता है, ऐसे ये ज्ञान अज्ञान का नाश करने वाला है। बोला ये पवित्र है, पवि माने वज्र होता है। बोला पुनाति इति पवित्रम, जो शुद्ध कर दे उसका नाम पवित्र। और जो पविवत हो वह हो वज्र के समान हो गए, अविद्या का अविद्या का है ना, अज्ञान रूपी पर्वत का पक्षच्छेदन करने के लिए जो वज्रवत हो गए, ये परम पवित्र ज्ञान। कैसा परम पवित्र? बोले ऋषि संघ जुष्टा, जितने ऋभु निदान ऋषभ देव वामदेव शुकदेव आदि जितने सनकादि जितने ऋषि हुए हैं, उन ऋषियों का संघ माने झुंड के झुंड ऋषि, एक दो नहीं जुट के जुट गुट के गुट, जिस ज्ञान का सेवन करते हैं, जिस ज्ञान रस का पान करते हैं। जुष्टम संहिता, इस ज्ञान रस का पान करते हैं कौन? बड़े बड़े ऋषि। ऐसे ज्ञान का उपदेश ब्रह्मविद बरियान ब्रह्मविद वरिष्ठ श्वेताश्वतर ने किया। अरे भाई ये सामर्थ्य उनके अंदर कहां से आया और किन को किया? तो तप प्रभाव प्रसादात, तप प्रभावात देव प्रसादात। श्वेताश्वतर में उपदेश की योग्यता कहां से आई? दो बार, एक तो उनके अंदर तपस्या थी। तपस्या बोलते हैं कृच्छ्र चांद्रायण आदि को, तो ये अपने धर्मानुष्ठान का उपलक्षण है। क्योंकि जब तक मनुष्य कष्ट उठाने को राजी नहीं होता, जब तक धर्म का पालन नहीं कर सकता। जो लोग आराम ही आराम से जो आराम कुर्सी पर बैठ के हो सो धर्म करने को तैयार, वो ही नहीं आराम कुर्सी पर बैठ के धर्म नहीं, जो चूल्हा फूंक के भी होवे दूसरे का छुआ नहीं खाएंगे है ना, उसमें भी धर्म है। बोला क्योंकि काया को कष्ट होता है ना। हाँ एक सवार डुबकी ऋषि पंचमी को लगाई, वो मौज से मरा है ना। बोले सर्दी हो गई, हाँ कष्ट तो होगा, तपस्या तो हुई ना। वर्ण धर्म जो है, वर्ण धर्म आश्रम धर्म, इसका नाम है तप। और वो जो गीता में तीन तरह के तप है ना, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितं च जत, वो भी तप है। मनसश्चेन्द्रियाणां च यैकाग्र्यं परमं तपः, मन और इंद्रियों की एकाग्रता का नाम तप है। तो तप से प्रभाव ऐसा आ जाता है कि मनुष्य उपदेश करे, उपदेश कर सके। ज्ञानी तो ऐसे भी होते हैं है ना, काशी में चले जाओ है ना, तो 100-200 वेदांताचार्य तो मिल जाएंगे हो, जिन्होंने सर्टिफिकेट वाराणसी राजकीय संस्कृत कॉलेज से, तो संस्कृत कॉलेज नहीं अब तो यूनिवर्सिटी उसका नाम है, राजकीय विश्वविद्यालय जो वहां का संस्कृत विश्वविद्यालय, उससे जिन्होंने वेदांताचार्य का प्रमाण पत्र पास किया बहुत मिल जाएंगे। सबसे हेड है हो जो संस्कृत यूनिवर्सिटी में आजकल वेदांत की आजकल। एक दिन आए बोले स्वामी जी हमारे संबंधी लगते हैं, तो इसलिए पहले से जान पहचान है, तो उनका जमाई मर गया, जमाई मर गया तो बड़ा दुख हुआ। तो बोले स्वामी जी वेदांत में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका समाधान मैं नहीं कर सकता, संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य द्वैत वेदांत में, लेकिन मैं दुखी हूं मेरा जमाई मर गया। बोले अरे भाई सपने की तरह कभी दुख भी आ जाता है, क्या हुआ? आ गया आ गया चला गया। बोले नहीं नहीं हमको तो कोई अनुष्ठान बताओ कि हमारा अंतकरण शुद्ध हो। ये
ये स्थिति है वो साधु होता तो काट देता, अरे चलो पांच मिनट रो ही लिया तो क्या है वो, है ना, आया सपने की तरह रोना आया और बीत गया था। तरति शोकम आत्मविद, तैर जाता है वो शोक 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 को तर जाता है। जैसे नदी को पार कर जाते हैं तो नदी का सत्यानाश थोड़ी होता है, नदी बहती रहती है और उसको पार कर जाते हैं, ऐसे शोक की नदी बहती रहे है ना, और उसमें हाथ पांव पीटते हुए भी पार हो गए, क्या हुआ दाह करे। अरे वशिष्ठ जी का आता है ना दृष्टा, ऐसा तरति शोकम आत्मविद, तरति नाशयति थोड़ी है, नाशयति शोकम आत्मविद, तरति शोकम आत्मविद, हर्ष शोक जहाती, हर्ष शोक को छोड़ दिया, जाती माने छोड़ दिया, छोड़ देने का अर्थ मरना नहीं होता है, रहे दुनिया में हर्ष शोक, चले धारा हर्ष शोक की, उसने तो छोड़ दिया है महाराज, वर्चस के संपरित त्यक्ते दो सदस्यावधारित, बिष्ठा करिया है खेत में पड़ा रहे तो क्या हुआ, है ना, ये शरीर के खेत में अगर बिष्ठा छोड़ा हुआ बिष्ठा पड़ा है तो क्या हुआ, वर्चस के संपरित त्यक्ते दो सदस्यावधारित, यदि दोषम बदे तस्मै, कई लोग है कहो यही जाके खेत में जांच करेंगे किसका मल कैसा और किसका मल कैसा और किसका मल कैसा, महाराज आदत नहीं छूटती है, बोला अब वो पहले से वही काम कर चुके हैं तो आदत नहीं छूटती है, मैल की जांच करते रहते हैं, यदि दोष संभवे तस्मय किंबा उच्चरित भवे, जो तत्ती करके आया है उसको क्या दोष लगेगा उसका, है कि उन्होंने उसके मैल की आलोचना की है, मल की आलोचना की है, उसको दोष लगेगा, तो कर ले मेरे भाई, बोला हर्ष शोक जहाती तरति शोकम आत्मवेद, आत्मवेदता शोक के पार, अब तेरी जहां आदत है वहां फंस वहीं लग, वो तो इस नदी को पार कर गया है जिसकी गहराई तुम नाप रहे हो, वो ये चट्टी फेंक गया है ना जिसकी अच्छाई बुराई की तुम जांच कर रहे हो, हर्ष शोक जहाती ऐसा प्रत्याश तप प्रभाव, उपदेश सब नहीं कर सकते हो, देव प्रसादाच, जिसने ईश्वर की आराधना की है, ईश्वर का प्रसाद इष्ट साक्षात्कार पर्यंत उपासना करके जिसने अपने हृदय की पवित्रता को प्राप्त किया है, देवता का प्रसाद क्या है, जब तक वो अपने को छिपा के रखे तब तक समझो अभी प्रसन्न नहीं है, अब हृदय है ना, हृदय हृदय में जब तक परमात्मा परोक्ष होकर के रहे तब तक साक्षात अपरोक्ष हो जाए तब ये स्वयं प्रकाश देवता का प्रसाद हो गया, हृदय की निर्मलता, कोई कोई तो देव शब्द का अर्थ ही अंतकरण करते हैं, देव माने अंतकरण, देव प्रसाद माने अंतकरण की निर्मलता, इससे इन दोनों के प्रभाव से श्वेताश्वतर महाराज ने उपदेश किया ब्रह्मविद वरिष्ठ, किसको किया, कात्याश्रमे भी आश्रमियों को नहीं, एक एक आश्रम के अभिमान में जो डूब मरते हैं ना, तो महाराज ये तो ऐसा बनाते हैं हमारे हमारे सौ आश्रम, एक महात्मा है तो कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि 113 आश्रम मैंने भारत वर्ष में बनाए हैं, इन्होंने तो सुना होगा 113 बोलते हैं भारतवर्ष में हमने 113 आश्रम बनाए, भले वो छप्पर के हों, इससे कोई मतलब, कहीं छप्पर के हैं कहीं महल के हैं तो कहीं झोपड़ी लगी हुई है, बोले नहीं अत्याश्रमे दिया, किसको उपदेश करना, जो आश्रमातीत है, माने मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थ हूं, मैं सन्यासी हूं, इस अभिमान को धारण करना आश्रमी होना है, और जो विवेक से वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिता, जो जानते हैं विवेकी हैं, बोले मैं देह थोड़ा ही हूं मैं दृष्टा हूं, इतना विवेक जिनको हो गया है, विवेकी पुरुष को जिनको ये ज्ञान है कि मैं देह नहीं मैं दृष्टा, वे अत्याश्रमी हैं, इतने विवेक वाले को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया जाता है, ये जो तुम्हारा दृष्टा स्वरूप है ये दृष्टा परिच्छिन्न नहीं है, अनेक नहीं है, ये ब्रह्म है, और ब्रह्म होने से दृश्य और दृश्य का कर्ता दोनों बाधित हो जाता है, बोला
ब्रह्म ज्ञान की महिमा यही है, जब तक तुम अपने को दृष्टा समझोगे तब तक दृश्य तुमसे अन्य हो, अन्य होगा। बोले अरे राम 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 क्या, का दृश्य से तादात्म्य हो गया है ना, भूल गया दृष्टा, सीताराम सीताराम अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया, मरते रहोगे तब तक। क्यों? बोले अपने को दृष्टा तो तुम जानते हो लेकिन दृश्य को भी सत्य जानते हो। हाँ हाँ हाँ, दृश्य से मिल गया है ना, और ईश्वर जो है वो बड़ा अलग रह जाता है बोला। और जब ब्रह्म ज्ञान होता है, माने आत्मा के ब्रह्मपने का जब ज्ञान होता है, तब दृश्य और दृश्य का कर्ता दोनों बाधित हो जाता है, अपने स्वरूप से जुदा दोनों नहीं रहते हैं वो। इसलिए क्या हुआ, बोले अत्याश्रम भिया, जो आश्रमातीत है माने वर्णाभिमान और आश्रमाभिमान को विवेक के द्वारा अपवादित करके अपने को दृष्टा रूप में जान चुका है, माने इतना जो विवेकी है उसको बताया जाता है कि ये जो तू दृष्टा है सो दृष्टा परिच्छिन्न नहीं है, ब्रह्म है। अत्याश्रमी को, अत्याश्रमी को माने जो हंस दशा को पार करके परमहंस दशा में पहुंच चुका है, जिसको ये अभिमान नहीं है कि मैं सन्यासी हूं, जो आश्रम के अभिमान से, आश्रम के अभिमान से मुक्त है, विवेक के बल से अपने को दृष्टा जान करके उसको उपदेश किया। वेरांते परमं गुह्यं पुरा कल्पे प्रचोदितं न प्रशान्ताय दातव्यं न पुत्राय शिष्याय वा पुनः। ये जो वेदांत है महाराज, वेदांत माने वेदांतेषु, ये बहुवचन में एक वचन का प्रयोग है, उपनिषद सु इत्यर्थः, वेदांत माने उपनिषद, उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है उसको जब कोई मनुष्य भी बोलता है या लिखता है या कहता है तो उस ग्रंथ को भी वेदांत ही कहते हैं, लेकिन होना चाहिए उपनिषद के अनुकूल, उपनिषद के सिवाय दूसरी किसी चीज का नाम वेदांत नहीं है, उपनिषद हो या उपनिषद के अनुकूल बात कही गई हो। तो उसमें जो परम गुह्य है, एक गुह्य होता है एक परम गुह्य होता है ना, गुह्य माने जो अपने दिल में होवे हो और बाहर नहीं कहने का होवे उसको गुह्य बोलता है, गुह्य उसी को बोलता है ना। बड़ी गुह्य बात है भाई, है ना, अपने दिल में रखने की है, सत्कर्णा विद्यते मंत्र, छह कान में न जाने पावे, छह कान में न जाने पावे, दिल की बात है, दिल की। और जिसको तुम नहीं छिपा सके उसको तुम्हारा दोस्त क्या छिपावेगा, कि तुमसे तो पचा नहीं, कहे बिना रहा नहीं गया, कान में जाके कह दिया कि देखो क्या महाराज, खो दिया ना अपने आप को। बोले बड़ी गुह्य वस्तु परमम गुह्यम, परमम गुह्यम का अर्थ क्या है, ये जो वेद में धर्म विद्या आदि विद्याएं है ना, धर्म पुंडरीकम वेश्म, जो ब्रह्मपुर है हृदय में, जो ब्रह्मपुर है उस ब्रह्मपुर में रहने वाला जो ब्रह्म है ना वो परम गुह्य है। बोले उसको नया नया बोल करके बताएंगे कि नया नया नहीं, पुराना पुराना बोलोगे तब संप्रदाय परंपरा से वो प्राप्त होना चाहिए, ब्रह्मा से उस संप्रदाय, नारायण से उस संप्रदाय का प्रारंभ होना चाहिए, नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने फिर आगे ऋषियों को दिया, ऐसा ये पूरा पूर्व कल्प में भी था। और पूरा पूर्व कल्प में जब ये मंत्र पढ़ा जाता था, जब बोले पूर्व कल्प में इस मंत्र को पढ़ करके कोई समझाता था तब, बोले पूरा कल्प उसके पहले का, उसके पहले जब ये मंत्र पढ़ के समझाया जाता था जब, तो उसके पहले पूरा कल्प प्रचोदितम, ये किसी की नई सूझ नहीं है, ना प्रशांताय दातव्यम ना पुत्राय शिष्याय वा पुनः। ये नहीं कि इसको अशांताय ना प्रशांताय दातव्यम, अब प्रशांत को नहीं देना है, इसकी प्राप्ति का अधिकारी प्रशांत है। इसीलिए देखो ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो बापी, एक तो जो जिसने दुष्चरित्र न छोड़ा हो उसको नहीं बताना है? और एक जिसके मन में राग द्वेष ज्यादा होए उसको नहीं बताना, और तीसरे का जिसको सिद्धियों की लालसा हो उसको नहीं बताना, ना शांत मानस हो बापे, समाधि लगाते हैं वो चित्त एकाग्र करते हैं, किस लिए, उस समय तो कोई कामना नहीं है जब समाधि लगती है, शांत है बिल्कुल मानस,
पर बोले इस शांत मानस के फल स्वरूप हमको सिद्धि मिले। तत्काल एकाग्रता है, परंतु एकाग्रता के फल के रूप में आकाश गमन आदि चाहते हैं, उसको भी नहीं बताना। ये सिद्धि चमत्कारी लोग जो होते हैं ना, संसारी लोग जो हैं वो ज्यादा चमत्कार ही देखते हैं, उनको बस चमत्कार ही देखने में आता। अरे इन्होंने कह दिया तो बेटा हो गया, का इन्होंने महाराज इनके मुंह से जो निकला तो सब सिद्धि। एक यहाँ आता था सत्संगी, वो कहता था महाराज बंडल के बंडल नोट बना के निकाल देते हैं हमारे महाराज, है ना, हमारे महाराज बंडल के बंडल नोट बना के निकाल देते, यही हो प्रेम को। हाँ महाराज तो मर गए है ना, लेकिन वो बंडलों पर जो नोट के नंबर थे वो सब नकली होंगे या तो, है ना, और असली होंगे तो सरकार के हिसाब में होंगे, है ना, मंगाए गए होंगे, चाहे चोरी से मंगाए गए हों, है ना, चाहे कोई डाकू चोर उनसे मिले हुए हों और उसी नंबर के नोट उनको दे आते हों, या तो ऐसा हो, है ना, और या तो महाराज भूत प्रेत से उठवा के मंगाते हो तो किसी के हिसाब में गड़बड़ी, बैंक का हिसाब ही बिगड़ जाता हो, है ना। इसके बिना तो वो बंडल के बंडल नोट चल नहीं सकते, क्योंकि वो तो नंबर से 1 2 3 बनते हैं। तो ये महाराज ये जो चमत्कार हैं दुनिया के, ये बिल्कुल झूठे हैं भला। और इसमें जो संसारी लोग होते हैं, जो पैसे को ही कीमत देते हैं वही फंसते हैं। नाशांत मानस हो बापे, जिसके मन में सिद्धियों के प्रति महत्व बुद्धि है उसको भी नहीं बताना। चाहे जो मोहब्रती हैं, मोहब्रती माने मोहब्बती लोग, है ना, ये मोहब्बती लोग जो है ना उनका नाम है मोहब्रती, वो देवव्रत नहीं है मोहब्रत है, तो ऐसे लोगों को नहीं बताना। फिर बताते हैं ना पुत्राय शिष्याय वा पुनः, जैसे अपुत्र को पुत्रातिरिक्त को घर गृहस्थ के लोग अपने घर की पूंजी का पता नहीं बताते हैं, वैसे अशिष्याय वैसे जो शरणागत न हो समुपसन्न न हो उसको ये पूंजियों की पूंजी, ये पूंजियों की पूंजी जो है कब वो नहीं देना चाहिए हो। ना पुत्राय शिष्याय वही पुनः, कोई महात्मा ब्रह्मा आदि जो महात्मा है वो अपने पुत्र की परंपरा से ब्रह्म ज्ञान का दान करते हैं, उनको बिंदु बिंदु बोलते हैं, बिंदुज संतान, पुत्र जो होते हैं ना वो बिंदु से उत्पन्न संतान है, और शिष्य जो है ये नाद से उत्पन्न संतान, शिष्य भी बेटा है, कैसे, कान में उसके बेटापन भर दिया ना, कान में जो मंत्र डाला नाद। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसके हृदय में परमेश्वर के प्रति पराभक्ति, ये दृष्टांत है, जैसी ईश्वर के प्रति पराभक्ति होती है वैसे ही पराभक्ति गुरु के प्रति जिसकी हो, कि ये जो उपनिषद के अर्थ हैं ये भी स्वयं प्रकाश ही है, बोलो, एते अर्थाः प्रकाशन्ते, ये अर्थ जो उपनिषद के अर्थ हैं ये प्रकाशन्ते, ये प्रकाशित होते हैं स्वयं, किंतु कथिता प्रकाशन्ते न तु कथिता, ये कोई पुस्तक को बांचे तो उससे प्रकाशित नहीं होते हैं, जब ये कथित होते हैं माने जब महात्मा लोग इसका कथन करते हैं तब ये प्रकाशित होते हैं। देखो एक तो प्रकाशन्ते, चाहे तो न प्रकाशित हो अनधिकारी के प्रति, ये अर्थ चाहे तो न प्रकाशित हो अपने को ढक दें, अर्था प्रकाशन्ते तत्रापि कथिता प्रकाशन्ते, कहने पर प्रकाशित होते हैं, तत्रापि महात्मना सकाशा महात्मना प्रति प्रकाशन्ते, महात्मना सकाशा प्रकाशन्ते महात्मना प्रति प्रकाशन्ते, महात्मा के प्रति प्रकाशित होते हैं, महात्मा माने महान समाधि गुण युक्त आत्मा, येषां तान महात्मना प्रति प्रकाशन्ते, महात्मना बहुवचन है, द्वितीय का बहुवचन है महात्मना, उन महात्मा जिज्ञासुओं के प्रति जो समाधि गुण से युक्त हैं अधिकारी हैं उनके प्रति अर्थ प्रकाशित होते हैं,
तो एक और तो बंधन ये हुआ कि जो शिष्य है वो महात्मा हो, पहले महात्मा हो जाए तब ये अर्थ प्रकाशित होंगे। और दूसरी बात ये हुई कि कथिता प्रकाशन थे, जब गुरु उपदेश करेगा तब प्रकाशित होंगे। वही किसके प्रति प्रकाशित होंगे, उस महात्मा का लक्षण क्या है? क्या महात्मा का लक्षण है यथा देवे तथा गुरु। ईश्वर के प्रति जैसी भक्ति करनी चाहिए वैसी ही भक्ति जिसकी गुरु के प्रति है। तो बोला भक्ति को कहीं गौर नहीं कर देना, बोला पराभक्ति यस्य देवे पराभक्ति ही, परमेश्वर में जिसके प्रति जिसके हृदय में परा है ना श्रद्धा और प्रेम और सेवा, श्रद्धा प्रेम और सेवा से युक्त जैसी भक्ति ईश्वर की जाती है वैसी ही भक्ति, जैसी ईश्वर की भक्ति वैसी भक्ति जब गुरुदेव के प्रति होती है तब तब तस्य एते अर्थाः प्रकाशन्ते। बोला तो तस्य जिज्ञासो महात्मना सकाशात् तस्य महात्मना और अर्थापि महात्मना। ये विभक्ति विपर्य हो जाता है, विपरिणाम हो जाता है, वेद मंत्र में विभक्ति का विपरिणाम हो जाता है। तो तस्य महात्मना वो जो महात्मा जिज्ञासु है उसके प्रति प्रकाशित होता है और जैसे उसको प्रकाशित होता है वैसे दूसरे शुद्ध अंतकरण वाले जो महापुरुष हैं उनके प्रति प्रकाशित होता है। और महाराज ये अर्थ भी महात्मा है और महात्मा सकाशादपि महात्मा से प्रकाशित होता है। कोई दुरात्मा वेदांत का हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु यदि अपनी माँ और पत्नी को तत्व ज्ञान का उपदेश करे और कंस यदि देवकी वसुदेव को उपदेश करे, रावण यदि मंदोदरी को तत्व ज्ञान का उपदेश करे तो नहीं है ना। वक्ता भी महात्मा होना चाहिए, श्रोता भी महात्मा होना चाहिए और ये अर्थ भी महात्मा है। और है किन के संबंध में? कई ईश्वर के संबंध में, ईश्वर के संबंध में है। इस तरह से महात्मा 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 से घिरा हुआ ये जो अर्थ है ये प्रकाशित होता है किसके प्रति? यस्य देवे पराभक्ति ही तस्य एते कथिता अर्था प्रकाशन्ते। जिसके जिस महात्मा के हृदय में ईश्वर के प्रति पराभक्ति है उसके प्रति। और जथा देवे तथा गुरु भक्ति यस्य तस्य महात्मना, जैसी ईश्वर के प्रति भक्ति है वैसे ही गुरु के प्रति भक्ति है जिसके उसके प्रति। और कथिता श्वेताश्वतरोपनिषदि, श्वेताश्वतर उपनिषद में कहे हुए अर्थ। और कथिता कथिता प्रकाशन्ते न तो कथिता, स्वयं पढ़े हुए स्वयं कथिता नहीं, कथित अर्थ जो है वो प्रकाशित होते हैं। और ये तो उपनिषद की समाप्ति है ना।